काशी के गंगा आरती की तर्ज पर अब प्रत्येक मंगलवार को राप्ती तट पर नव निर्मित गोरक्षनाथ घाट पर भी राप्ती आरती किया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और इसके लिए एक समिति का गठन भी कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती तट पर बने गोरक्षधाम घाट, राम घाट और राजघाट का लोकार्पण किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशानुसार नगर निगम ने राप्ती तट पर स्थित गोरक्षनाथ घाट पर प्रत्येक मंगलवार को राप्ती आरती करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है और आम जन के सहयोग से राप्ती आरती का आयोजन प्रत्येक मंगलवार को किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 9 मार्च को किया जाएगा। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखनाथ घाट, राम घाट और मुक्तेश्वरनाथ घाट, तीन घाटों का पिछले दिनों उद्घाटन किया था। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि सरकार का काम है सौंदर्यीकरण करना और उसका रख रखाव का काम करना जनता का काम है। उसी के तहत उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर स्थानीय पार्षद संजय श्रीवास्तव जी ने एक टीम बनाई है, जो हर मंगलवार को गंगा आरती की तरह राप्ती माँ की आरती भव्य रूप से करेगा। साथ ही साथ बहुत और सारे संगठन आ रहे हैं जो वहाँ पर आरती के लिए अलग अलग टीम बना करके आरती करेंगे। हमारी जिम्मेवारी है नगर निगम की, हम लोग उस पर पूरी मुस्तैदी से काम करेंगे कि हम लोग वहाँ पूरी स्वच्छता का व्यवस्था करेंगे, हर जगह सफाई रखेंगे। और नागरिकों से अपील करता हूँ कि उसको नदी की स्वच्छता के लिए पूरी तत्परता से काम करें, गंदगी ना करें, तो हमारा माँ गंगा, माँ राप्ती पूरी तरह स्वस्थ होगी, सुंदर होगी, जल भाव अनवरत प्रभावित रहेगा। ये राप्ती गंगा की सहायक नदियों में आती है, राप्ती साफ होगी तो गंगा भी साफ होगी। इसी के साथ आरती का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।